आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला तीमिथियुस पहला अध्याय। पौलुस की ओर से, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमिथियुस के नाम, जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूँ, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वासयोग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, अमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें।